नेचर में देखो आप लोगों को है ना आए दिन है ना लगभग हर जगह है ना कोलिजन एक फिजिकल फेनोमेनन है नेचर में लगभग हर जगह हो रहा होता है हम लोग हमेशा जो गाड़ी आपस में टकरा गया दिस इज द पार्ट ऑफ कोलिजन एक बॉल को फेंक आप दीवार से टकराया वापस आया दिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोलिजन कोलिजन एक ऐसा पर्टिकुलर फेनोमेनन होता है जिसमें बॉडीज एक दूसरे के साथ फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कॉन्टेक्ट में फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऐसा नहीं कि बॉडी कॉन्टेक्ट में और हमेशा कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं बॉडीज एक दूसरे के साथ फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कॉन्टेक्ट में आता है और उसी छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में दे एग्जर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स आप उसको इंपल्सिव फोर्स कह सकते हैं दे एग्जर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर और ये फोर्स इस तरह से काम करता है दोनों बॉडीज के ऊपर कि वो दोनों के मोमेंटम और एनर्जी को चेंज करता है ठीक है दिस होल फेनोमेनन जो भी आपको बताया गया दैट इज सेड टू बी कोलिजन कोलिजन मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर नेचुरल फेनोमेनन जिसमें दो बॉडी या दो से अधिक बॉडीज भी हो सकता है दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हाई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान दे एग्जर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर यू कैन से दैट इंपल्सिव फोर्स और इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से उनका मोमेंटम बॉडीज जो आपस में टकरा रहा था दे आर सेड टू बी कोलाइडिंग बॉडीज का मोमेंटम और एनर्जी में चेंज होता है दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोलिजन ठीक है टीचर यू गॉट अ क्वेश्चन दैट फेनोमेनन इन व्हिच टू और मोर बॉडीज comes in contact with each other for very short interval of time and during this they exert a very large force on each other. They exert a very large force on each other. And due to this force, their momentum as well as kinetic energy changes. This phenomenon is called collision. हमारे पास पूरे कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने का सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग डील करने जा रहे हैं दैट इज स्प्रिंग कोलिजन ग्राम से आप एक एक फिगर को देखेंगे और उस फिगर में जो इवेंट आपको समझाया जा रहा है उसको आप समझे फील करेंगे क्या हो रहा है देखें हर एक फ्रेम हमारे पास एक फ्रिक्शनल सरफेस है ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m1 It is moving towards right with some velocity u1. कोई एक स्प्रिंग है जो स्प्रिंग कांस्टेंट k रखता है और इस m2 ब्लॉक के साथ अटैच्ड है. This m2 is also moving towards right with velocity u. Naturally, अगर हम चाहते हैं कि दोनों के बीच कोलिजन हो तो u1 का वैल्यू u2 से बड़ा होना चाहिए तभी तो पीछे से जाके ऐसे स्प्रिंग को कोलाइड करेगा. Second frame. When M1 and M2 comes in contact with the help of the spring, मान लो हमारे पास ये M1 है और ये spring को थोड़ा compress कर रहा है और ये M2 है. Like M1 जो है वो spring को compress कर रहा है. जब ये spring को compress कर रहा है,
जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो ध्यान रखो कि यहाँ एक स्प्रिंग फोर्स है। अगर स्प्रिंग कंप्रेस है तो M1 पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट और M2 पे स्प्रिंग फोर्स है टुवर्ड्स राइट। ध्यान रखना कि M1 का वेलोसिटी U1 है टुवर्ड्स राइट और M2 का वेलोसिटी U2 है टुवर्ड्स राइट। क्लियर है? थिंक अबाउट दिस सिस्टम। इस सिस्टम पे आपका ध्यान जाना, यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है। वेलोसिटी डिक्रीज, ध्यान रखना वेलोसिटी ज्यादा था वो घट रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझते हैं तो यहाँ फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। वो ये रहा होता है कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा था फोर्स ऐसे काम कर रहा है कि उसको वेलोसिटी को घटाया जाए, और जिसका वेलोसिटी कम था फोर्स ऐसे काम कर रहा है कि उसके वेलोसिटी को बढ़ाए। अल्टीमेटली कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि मान लो यू1 यहां और यू2 यहां एनर्जी वेलोसिटी, लेकिन फोर्स ऐसे काम कर रहा है कि यू1 को घटाए एट द सेम टाइम यू2 को बढ़ाए, तो कोई ना कोई स्टेज आएगा जहां ये दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाए। लेट दैट इज इन दिस केस, कोई एक स्टेज है तुम्हारे सामने, ये थर्ड फिगर थर्ड फ्रेम तुमको बता रहा है। ये M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक नाउ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ये वो स्टेज होता है जब दोनों है ना एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। ये वो स्टेज होता है जब स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम, स्प्रिंग इज मैक्सिमम कंप्रेस्ड, क्योंकि उस समय तक U1 जो है वो U2 के नजदीक जा रहा है क्योंकि U1 बड़ा। एक स्टेज ऐसा आया कि U1 और U2 बराबर हो गए, U1 घट के बराबर हुआ U2 बढ़ के बराबर। अल्टीमेटली ये वो स्टेज है जहां स्प्रिंग का कंप्रेशन है ना मैक्सिमम होता है, समझ गए? उसके बाद जरा फोर्स के डायरेक्शन को देखो। अभी भी मेरा स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से इस पे फोर्स लेफ्ट और इस पे फोर्स राइट ही लगा हुआ, ये है कि U1 घटा है U2 बढ़ा है, नाउ दे आर इक्वल एट सम इंस्टेंट, बट स्टिल फोर्स इज इन दिस वे, किसके इसके वेलोसिटी को अभी भी अपोज किया जाए और इसके वेलोसिटी को अभी भी सपोर्ट किया जाए। अब क्या होगा? अब ये दूर होने लगेगा, मतलब कंप्रेशन जो मैक्सिमम था वो फिर से स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये वो जगह होता है, ये वो स्टेज होता है, एकदम आप दिमाग में बैठा दिस इंस्टेंट कंप्रेशन, या फिर अगर कभी इलॉन्गेशन रहा तो इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग इज मैक्सिमम कंप्रेशन या इलॉन्गेशन जो भी है वो क्या है मैक्सिमम। इसका और भी बहुत सारा कंडीशन, जब कभी भी तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी कंडीशन रहे चाहे स्प्रिंग कोलिजन से रिलेटेड आप डिस्कस कर रहे हो, एक फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो तुमको अलग अलग तरह के एंट्रेंस में पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन और व्हाट इज द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग। आप बस उसके लिए ये दिमाग में रखें कि एट द इंस्टेंट व्हेन स्प्रिंग इज मैक्सिमम कंप्रेस और इलॉन्गेट इन सम केसेस आल्सो बोथ ब्लॉक्स हैव सेम वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी वर्ड का मतलब समझते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो, ठीक है ना। एट दिस इंस्टेंट कंप्रेशन और इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग इज मैक्सिमम, एट दिस इंस्टेंट बॉडीज का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, उसे स्टैंड पे ऐसा सिचुएशन आएगा। क्लियर हो गया? अभी अगर सिचुएशन को और आगे बढ़ाया जाए तब होगा ऐसा, अब होगा ऐसा कि जो मेरा पीछे वाला ब्लॉक था उसका वेलोसिटी और भी डिक्रीज कर जाएगा, नाउ इट्स वेलोसिटी बिकम्स इवन, और आगे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इन दिस वे इवन से बड़ा होगा वी टू एंड ब्लॉक्स आर सेपरेटेड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फिगर
पीछे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी ज्यादा था, स्प्रिंग शुरू में कंप्रेस हुआ, यहाँ पे स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम था, बट फोर्स स्प्रिंग फोर्स हमेशा ऐसे लग रहा था कि वो U1 को डिक्रीज करना चाहता है और U2 को क्या कर रहा है, इंक्रीज करना चाहता है। U1 डिक्रीज करके पहले भी हुआ और B से भी डिक्रीज करके B1 हुआ, U2 इंक्रीज करके पहले भी हुआ, B से भी इंक्रीज करके B2 हो गया, सो अगेन B2 इज ग्रेटर देन B1, सो ब्लॉक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये चार फ्रेम का तुम्हारे सामने कांसेप्ट है। तुम्हारे पास किसी भी अननोन को अगर निकालना है तो फाइंड एनी अननोन, आप चाहते हैं इस केस में कोई भी अननोन निकालना, सबसे पहला लाइन यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिटवीन एनी टू इंस्टेंट, कोई भी दो इंस्टेंट के बीच आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, मतलब सर 1, 2 और 3 के बीच बिल्कुल लगा सकते हैं, 3 और 4 के बीच बिल्कुल लगा सकते हैं, 2 और 4 के बीच हाँ लगा सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो वैसे इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के साथ इक्वेट करते हैं। और सेकेंड यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ, रीजन है कि हम लोगों का जो इम्पल्सिव फोर्स है, जो बॉडीज के वेलोसिटी, बॉडीज के मोमेंटम, बॉडीज के एनर्जी को बदल रहा होगा, वो एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स है, एंड स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव बाय नेचर, उसके अगेंस्ट में किया गया काम सिस्टम का भी लॉस नहीं होने देगा, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ, ठीक है ना। जब कभी भी स्प्रिंग कोलिजन रहेगा, नीचे हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस रहेगा, मतलब आपको दिखे कि इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए छोटा सा एग्जांपल करते हैं ताकि चीज को आप क्लियर कर सकें। हमारे पास एग्जांपल ये है, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है M1 एंड दिस इज मूविंग बट राइट विद वेलोसिटी u। नाउ वी हैव अनदर ब्लॉक M2, इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी u2 एंड देयर इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ। क्वेश्चन में ये मेंशन है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि u1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, m1 इज इक्वल्स टू 4 kg, u2 is equals to length 8 meter per second and m2 is equals to length 6 kg and spring constant k is 100 newton per meter. हमारे पास क्वेश्चन ये है, find maximum compression of spring, आपको spring का maximum compression find out करना है, ठीक है। जस्ट हम इक्वेशंस तुम्हारे सामने रखेंगे, आप घर में आराम से इसको सॉल्व करते रहें, चीज को देखें समझें। सबसे पहले तो आपको है ना दो केस आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए। फर्स्ट केस जो अभी हमारे पास एक फिगर है, फिगर ये दिखा रहा है कि दैट M1 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड M2 इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड देयर इज सम स्प्रिंग। सो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग लिखे तो हम लोग लिखेंगे एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू, या फिर अगर तुम चाहो तो आप इसको वेक्टरली लिखे, बाद में हम लोग साइन पुट कर लेंगे, सही। सिस्टम का इनिशियल एनर्जी अगर लिखे तो हाफ एम वन यू वन स्क्वायर एंड हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, क्या सही है। वेन सेकेंड केस कंप्रेशन इज मैक्सिमम एट दिस स्टैंड, इस स्टैंड को प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सर मान लीजिए हमारा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस है, आप बता चुके हैं कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन सर किधर हो, इसके लिए आप परेशान ना कि किधर होगा, आप वेक्टर से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई भी डायरेक्शन लगा रहे, चलो तुम्हें बताओ किधर जाना चाहिए, कोई भी एक, कोई भी एक ज्यादा टेंशन मत, राइट राइट, चलो ये भी जा रहा राइट एंड दिस इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो क्या हम अभी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिख सकेंगे m1 plus m2 and v, m1 plus m2, और अगर हम सिस्टम का फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर, क्या सही है।
और कुछ है क्या? आप के एक्स स्क्वायर एंड दैट एक्स इज मैक्सिमम, आप के एक्स स्क्वायर एंड दैट एक्स इज मैक्सिमम। जैसे ही हम लोग दोनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई किए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वी हैव इक्वेशन p इनिशियल इज p फाइनल, वी हैव इक्वेशन m1 u1 plus m2 u2 is m1 plus m2 and b, दो दो वेक्टर m1 u1, मास का इज 4 kg, u1 is 10 i cap, 4 into 10 i cap, m2 mass is 6 and velocity is 8 minus i cap, और नाउ यहां 4 plus 6 and velocity, so it comes to be 40 i cap minus 48 i cap is equals to 10 b, so it is minus 8 i cap by 10। क्या पता चला तुमको? बॉडी किधर मूव कर रहा है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट की तरफ मूव कर। तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं, आप कोई भी डायरेक्शन लगा, समझ में आ ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.8। अब आपको मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम देखो बस इक्वेशन बना के छोड़ रहे हैं, आप इसको खुद से सॉल्व करें। Energy initial is equals to energy final. Energy initial half m1 u1 square, half m2 u2 square, and final energy is half m1 v square, half m2 v square. ध्यान रखना v मिला हुआ है, v कितना लेगा? माइनस 0.8 लेगा या 0.8 लेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको तो माइनस से भी काम ही नहीं है, हमको 0.8 लेना। एंड प्लस प्लस आपके x स्क्वायर, बस k का भी मान लो, वैल्यू मालूम है, पुट कर दो x, समझ गए? तो जब कभी भी स्प्रिंग सिस्टम रहा तुमको है ना इस तरीके से काम, और स्प्रिंग सिस्टम तुमको कोलिजन का बेहतरीन कांसेप्ट देता है। जरा गौर करना, जिस इंपल्सिव फोर्स का हम तुम्हारे डेफिनेशन में बात किए हैं कि दे एग्जर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर एंड दैट फोर्स विल चेंजेस इट्स मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी, वो फोर्स यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है? उसका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अपने आप इस तरह से अपने डायरेक्शन को मैनेज करके रखता है कि किसी का वेलोसिटी घटाना है, किसी को बढ़ाना है। फोर्स धीरे 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 मैक्सिमम हुआ है स्प्रिंग फोर्स, और उसके बाद फिर क्या हुआ है? डिक्रीज किया। आप कभी भी कोई भी कोलिजन अगर देखते हैं, कोई भी कोलिजन, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो कोलिजन का फोर्स होता है, ध्यान रखना वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, बिकम्स मैक्सिमम, और उसके बाद फिर क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है, नोट करना डायग्राम बनाते हैं,
जिसमें हमको बॉडीज के बीच लगने वाला इंपल्सिव फोर्स और प्रोग्रेस या टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना कि बिफोर कोलिजन बॉडीज डज नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर, बट ड्यूरिंग कोलिजन दिस इज इन समवेयर। इससे पहले का जो पोर्शन आपके पास है, दिस इज सेड टू बी बिफोर कोलिजन पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये आपके कोलिजन का है, एंड दिस होल कांसेप्ट इज ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन हाउ द फोर्स इज लाइक, बिफोर कोलिजन यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, आफ्टर कोलिजन यू वन से यू टू बड़ा है, बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोलिजन, ये पूरा चीज समझने का। जैसे जैसे बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आता, कोलिजन स्टार्ट इन दिस पॉइंट, उनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता, उसके बाद फिर घटता। ये वो इंस्टेंट होता है, जब उनके बीच लगने वाला एवरेज इंपल्सिव फोर्स एंड दैट फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, ये वो इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे
स्टिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी देखो, जैसे मान लो जैसे हम इस पर्टिकुलर क्लोथ पर है ना मार्कर की तरफ देखें, और क्लोथ और मार्कर दोनों एक साथ टकराया और दोनों फिर एक ही वेलोसिटी से जाना स्टार्ट किया, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। जब कभी भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, एक बात तो पता चल गया कि दोनों बॉडीज का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम है, ठीक है। थर्ड, इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल, आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, मतलब आप इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के साथ इक्वेट कर सकते हैं, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते। कारण यह है, इस सिस्टम का जो फाइनल एनर्जी है वो सिस्टम के इनिशियल से कम है, सो देयर इज एनर्जी लॉस, और ये लॉस जो है वो मैक्सिमम कितना एनर्जी का लॉस होगा, अरे ऑब्वियसली लॉस अगर वर्ड है तो बस सिस्टम के इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर, सिस्टम का इनिशियल एनर्जी में से सिस्टम के फाइनल एनर्जी को आप माइनस कर ले, आपका एनर्जी का लॉस, ठीक है। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का, सिस्टम बोलते हैं, समझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, दैट कोलिजन, दिस इज एनी अदर कोलिजन, कोई भी अगर हम दूसरा कोलिजन का बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें E का वैल्यू 0 और 1 के बीच रहेगा, 0 एंड 1 आर द टू एक्सट्रीम्स, 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक एंड 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक, तो उसके बीच कोई भी कोलिजन हो, बॉडी स्टिक भी ना करे, बॉडी सेपरेट भी ना हो, एनर्जी का लॉस मैक्सिमम भी ना हो और एनर्जी का लॉस 0 भी ना, बट सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट, इन दैट केस E इज बिटवीन 0 एंड 1। ऐसे केस में याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ एप्रोच से छोटा होगा, फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल, मतलब सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम को आप फाइनल से इक्वेट करें, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली सिस्टम के इनिशियल से फाइनल एनर्जी कम होगा, एनर्जी का लॉस होगा और लॉस कितना होगा तो इनिशियल में से फाइनल को आप माइनस, ठीक है। सो एक छोटा सा कंफ्यूजन दिमाग में रखना, नेक्स्ट टाइम इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग में आप खुला रखें, फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन जब आप पक्का नहीं हो, जब आप फिक्स नहीं हो कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन, वी कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम but not on conservation of energy, conservation of energy वही लगाना जहां तुम एकदम perfect मालूम है कि that collision is perfectly elastic, otherwise conservation of linear momentum is not, sorry conservation of energy is not applicable, समझ में आया। तो हम लोग for any collision एक conclusion last में निकाल लेते हैं, for any collision conservation of linear momentum, yes we can use this, conservation of energy may or may not, क्या सही है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कब कर सकते हैं जब collision कैसा हो perfectly elastic, मतलब नहीं कर सकते हैं अगर बनता है, उसको छोड़ दो, ये मत कहना कि सब perfectly inelastic होगा तभी कर सकते, तभी नहीं use करें, क्योंकि फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन जहां ये E 0 और 1 के बीच तमाम एनर्जी नजर नहीं, समझ में, तो केवल एक ही जगह यूज होगा, वो होगा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अगले दिन बैठे, इतना दिन कंप्लीट करके आए, ठीक है, नेक्स्ट डे जब अगला कोलिजन का क्लास लेंगे तब इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल देंगे, तब तक आप कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जैसे परफेक्टली इलास्टिक आएगा तो जो मेरा E जहां जहां आएगा वन वन पुट करेंगे आंसर आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक आएगा तो E के जगह पे जीरो रखेंगे मेरा आंसर आएगा। फायदा ये होगा कि अगर कोई ऐसा कोलिजन हमारे पास आए जो ना ही परफेक्टली इलास्टिक ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है,
may have any value of e between 0 and 1, like 3 by 4. तो वैसे केस में भी मेरा जो फॉर्मूला निकलेगा वो एप्लीकेबल होगा। आप e के जगह 3 by 4 लिख के आपको बता सकते हैं। समझ में आया? तो हम लोगों के पास आज हम लोग डिराइव करेंगे कुछ वेलोसिटी ऑफ colliding bodies after collision in one dimensional collision. One dimensional collision mein after collision बॉडीज का वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा है हमारे पास ये एक ब्लॉक है मास है m1 मूविंग सम वेलोसिटी u1, एक दूसरा ब्लॉक है मास है m2 मूविंग सम वेलोसिटी u2 जस्ट बिफोर कोलिजन। एंड दिस फिगर इज आफ्टर कोलिजन। मास m1 हैविंग वेलोसिटी v1, मास m2 हैविंग वेलोसिटी दिस इज आफ्टर। सबसे पहले आप लोग मेंटल दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, आपका कुछ भी मिस नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को मेंटेन किया गया। यही सिस्टम आपके कोलिजन इवन और मान लो ऐसा लेंथ ई इज कोफिशिएंट ऑफ प्रेस्टिट्यूशन। हमारे इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ प्रेस्टिट्यूशन ई, अगर ऐसा है तो ई कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 - v1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 - u2। अगर हम लोग यहां से v1 का वैल्यू लिखने जाएं तो हमारा वैल्यू होगा e टाइम्स ऑफ u1 - u2। v1 लिखना है या v2 लिखना है? e times of u1 minus u2 तो प्लस होगा यहाँ पर ठीक है। अभी देखो ये हमारा फर्स्ट लॉ था, जो लॉ ऑफ कोलिजन आपको पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, उसमें आपके पास दो लॉ था, एक था मोमेंटम कंजर्वेशन और एक था रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ प्रेस्टिट्यूशन। तो ये सेकंड लॉ के हिसाब से हमारे पास एक इक्वेशन होगा। नाउ यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएं, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। हम लोग पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि हम v2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, बस आप इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप v2 का वैल्यू रिप्लेस करें। So we have m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 और v2 के जगह पे e times of u1 minus u2 m plus v1। m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1m1 v1 plus m2 e u1 minus u2 plus m2 v1। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इस टर्म को है ना आप लेफ्ट हैंड साइड में ले m1 u1 plus m2 u2 minus m2 e u1 minus u2 is equals to, दोनों में से v1 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो m1 plus m2 एड एक्सपेक्ट करो इसको m1 v1 plus m2 u2 minus m2 e u1 minus minus plus m2 u2 e divided by on m1 plus m2 and this term will be equals to velocity of first। थोड़ा इसको और शॉर्ट कर सकते,
यहाँ एम वन यू वन है, इसमें भी यू वन है, तो इन दोनों में से एम वन माइनस ई एम टू इंटू यू वन, एम टू यू टू है इसमें भी एम टू यू टू है, तो वन प्लस ई एम टू यू टू एंड फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इज इक्वल्स टू जी वन। बार याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 minus em2 and u1 1 plus e m2 u2 divided by m1 plus m2। Similarly, अगर आप v2 निकालेंगे, then second body have velocity after collision is given by this equation u2 1 plus e m2 sorry m1 u1 divided by m1 plus m2। ये मेरा तुम्हारे लिए जब कभी भी वन डायमेंशनल कोलिजन हो, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला के हेल्प से आफ्टर कोलिजन डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं बॉडी से। बस आपको इसके लिए यूज क्या करना होगा, जब भी आप इसको यूज करें अकॉर्डिंग टू कोलिजन वैल्यू ऑफ ई पहला लाइन, पहला काम ये करना होगा कि ई का वैल्यू यूज करो कोलिजन के हिसाब से। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ई जहां जहां है वन पुट करो, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है ई के जगह पे जीरो लिखो। और दूसरा याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, यूज यू वन एंड यू टू विथ प्रॉपर साइन, मतलब हम कहना चाह रहे हैं ना अगर कोलाइडिंग बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप अगर इसके वेलोसिटी को u1 को लिखते हैं प्लस i कैप के फॉर्म में, तो u2 में लिखते हैं प्लस i कैप। बट अगर कोलाइडिंग बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो किसी एक को अगर आप प्लस लिख रहे हैं तो दूसरा माइनस। हम तो यही चाहेंगे कि हमेशा जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाए उसका आप प्लस साइन पुट करें, जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएगा उसका माइनस। तो ये दो लाइन आपको जरूर याद है, ठीक है, वेलोसिटीज को उसके प्रॉपर साइन के साथ यूज करना है और कोलिजन के टाइप के हिसाब से ई का वैल्यू, उसमें से एक दो स्पेशल केस हम आपके सामने रखते हैं, जरा गौर से देखकर समझ। मान लीजिए हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बताओ ई का वैल्यू कितना, 1। तो जब आप ई के जगह पे 1 पुट करेंगे, देन v1 कम्स टू सी m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्या सही है। इसी तरह अगर आप v2 निकालने जाएंगे, m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 divided by m1 plus perfectly elastic collision, आप चाहो तो direct use को use कर सकते, ठीक है ना। हम कभी नहीं, हम आपको फिर से बता, आप अगर इसको याद रखते बहुत सही, लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप हर भी वैक्टर लगभग है ना within a second है ना बनना start। और अगर तुम इस line को अच्छे से याद नहीं रखा तो तुमको हर बार एक तरह से मानो कि derivation करना होगा, बार बार तुमको ई के हिसाब से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मोमेंटम पर जनरेशन लगाना होगा, तब आंसर आएगा। बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं डायरेक्ट, तो आप केवल इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, आपको आफ्टर कोलिजन तुरंत तुरंत वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। यूज करने का तरीका ये दो लाइन जरूर याद रखें। हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में भी एक स्पेशल केस होता है, वो है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग सेम मास, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है, इसलिए आप इसको याद रखते हैं। क्या रिजल्ट आ रहा है जरा बात सुनो, एक तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई वन है पहला केस, तो ऑब्वियसली हम इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे।
एंड ऑल्सो कि जो मास वन है और मास टू है ये दोनों सेम है। जब आप यहाँ पे m1 और m2 दोनों के जगह m3 देंगे तो u1 के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया खत्म, और यहाँ क्या 2m u2 और नीचे क्या 2m 2m और 2m कैंसिल, कितना बचा u2। कहना ये चाहते हैं कि इस केस में आपको v1 जो मिलेगा वो u2 होगा और जो v2 मिलेगा वो u1 होगा। चलिए ठीक है, मीनिंग इसका बताइए। एक्सचेंज अगर अगर मान लो जैसे मेरे पास अगर मान लो मेरे पास है ना दो आइडेंटिकल एकदम आइडेंटिकल हम है ना दो छोटा छोटा ब्लॉक हो गया हर तरफ साइड समझ गया मास भी लगभग सेम है आप नजर करते थे ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का तो केस नहीं आ सकता बट स्टिल वी कैन सी दिस। आप अगर इस कोलिजन को देखेंगे ना ऑलमोस्ट होता ही है देखो यहाँ नीचे फ्रिक्शन इसलिए आइडियल केस लिया ठीक है ना, आप ऐसे मानें कि टकराने के बाद ऑलमोस्ट ये रेस्ट में आ जाता है और ये चलना स्टार्ट क्योंकि टकराने के पहले ये रेस्ट में था, तो इसका जो ये टू ये वन टू का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वन का फाइनल होगा और वन का जो इनिशियल है वो टू का फाइनल होगा। समझिए वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई के जगह पे आप जीरो यूज करें, जैसे ही आप ई के जगह पे जीरो यूज करेंगे v1 का इक्वेशन होगा m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2, यही आएगा आप जनरल इक्वेशन में देखेंगे। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि v2 का भी सेम इक्वेशन आएगा m2 u2 divided by m1 plus m2। अगर आप एक चीज बोल रहे हैं स्ट्रेस करने के लिए लास्ट क्लास लास्ट आपको क्लास में बताया गया था कि जब हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पे डिस्कस करते हैं तो याद रखना कोलिजन के बाद बॉडीज स्टिक कर जाता है चिपक जाता है दूसरे के साथ। अगर बॉडी चिपक गया है तो इसका मतलब है कि v1 एंड v2 बोथ आर सेम। आप कंफ्यूजन निकाल सकते हैं बॉडीज स्टिक टुगेदर, बॉडीज एक दूसरे के साथ समझ गए। वैसे आप एक लाइन याद रखिए कि अगर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन एक लाइन में यूज करेंगे ना तो भी आपको तुरंत वेलोसिटी मिलेगी ठीक है। आप जरा गौर करें m1 u1 इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन प्लस m2 u2 इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, और जब दोनों बॉडी स्टिक कर गया तो सिस्टम का आफ्टर कोलिजन टोटल मास कितना होगा m1 + m2 m1 + m2 into v इज द वेलोसिटी द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो आप ऐसे माने कि सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को भी आप इक्वेट करके तुरंत इक्वेशन निकाल सकते हैं m1 u1 m2 u2 m1 plus m2 and v, सो दिस कॉमन वेलोसिटी दोनों के लिए कॉमन होगा ना इज m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus M2। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमारा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है दोनों ही बॉडीज का आफ्टर कोलिजन सेम वेलोसिटी होगा। कंक्लूजन ये है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाना चिपक। एक और छोटा सा स्पेशल केस उसको भी आप समझिए, एक कोलिजन टेक्स प्लेस between m1 and m2 so that m1 is much greater than m2। कैसा कोलिजन, ऐसा कोलिजन जरा समझना ध्यान से। अच्छा यहाँ दो बॉडीज का मास आप कंपैरिजन में रखते हैं, किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, कोई हल्का या भारी आपके लिए अभी नहीं दोनों
तो लव को कोलिजन के बाद वेलोसिटी में जो होता है सामने देखते हैं, सही। लेकिन अगर हम कोलिजन, अगर हम कोलिजन इन दोनों के बीच करें, अब ऐसे इसका मास इसके कंपैरिजन में काफी कम, ठीक है, तो जरा देखना और समझना प्रैक्टिकल में। ये यहाँ पे छोटा सा बॉडी रखती है और ये यहाँ से क्या, जरा बताना क्या इसके वेलोसिटी में तुमको कोई प्रैक्टिकल डिफरेंस दिखाई देता है? There is no difference. आपको इसके वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज दिखाई देता है, सही है ना? लेकिन इसके वेलोसिटी में तो आपको चेंज समझ में आता, शुरू में जीरो था सर अब जा रहा है, लेकिन इसके वेलोसिटी में जैसे आ रहा था वैसे ही चला। मान लो अगर रोड पे है ना, एक ट्रक चल रहा है, भारी ट्रक चल रहा है, और उसके सामने में तो मैंने फुटबॉल रख दिया है या फुटबॉल को ऐसे फेंक दिया, ट्रक आया टकराया, क्या ट्रक के वेलोसिटी में कोई अंतर हो जाएगा? कोई, लेकिन फुटबॉल के तो वेलोसिटी में चेंज होगा। ऐसे हमारे पास है V1 is equals to M1 minus EM2 1 plus E M2 into यहाँ से मिला 1 divided by M1 plus M2। याद रखिएगा कि M1 जो है वो M2 से बहुत बड़ा है। आप ऐसा माने कि M2 is approximately 0 compared to M1। तो जहाँ जहाँ M2 है आप 0 सोच, M2 के जगह 0। तो हमारे पास V1 का वैल्यू हुआ M1 U1 नीचे M1, ठीक है ना? ये वाला भी टर्म 0, ये वाला भी टर्म 0, ये भी 0। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? ऐसा U1 के बराबर, समझ में आया? हर जगह M2 के जगह पे आप 0 पुट करें, ये टर्म खत्म। यहाँ पुट करने से ये पूरा टर्म खत्म, नीचे 0, तो ये M1 और ये M1 बच जाएगा, U1 बचेगा। मतलब इस भारी मास के वेलोसिटी में किसी भी तरह का डिफरेंस आपको नहीं, जैसे चल रहा था वैसे ही। लेकिन थिंक अबाउट सेकंड, V2 इज इक्वल्स टू M2 माइनस EM1 एंड U2 1 प्लस EM1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आप तो M2 को 0 करेंगे, आप इसको 0 करेंगे, आप इस टर्म को 0 करेंगे, और तो कोई 0 होना नहीं है। तो वैसे केस में दैट V2 इज इक्वल्स टू माइनस ई M1 U2 प्लस 1 प्लस ई M1 U1 डिवाइडेड बाय M1। अब चाहो तो नीचे M1 से ऊपर वाला M1 कैंसिल कर लो, तो हमारे पास बचेगा माइनस ई U2 प्लस 1 प्लस ई M2। जरूर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ क्लियर हो रहा है, समझ रहा हूँ? तो ये भी कोई स्पेशल केस है, आप उसको भी ध्यान में रखें। डॉक्टर उसको कोई मेजिक का एक बॉडी है, बैंक की तरह मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, 2 kg का एक ब्लॉक है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड। So V1 is equals to
4 माइनस 1 3 3 इनटू 6 18 आई कैप प्लस 3 बाय 2 2 को कट गया 3 और ये माइनस डिवाइडेड बाय 6 तो इधर से ही आया 1 आई कैप ठीक है। अब आप कर लेंगे तो से कैलकुलेशन 6 ना ठीक। आपके पर्सन जो दोनों बॉडीज मूव करेगा वैसा हो 4 केजी का ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से और 2 केजी का ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज आफ्टर कोलिजन क्या आपके कोलिजन का ऐसा हो गया भैया डायमेंशनल कोलिजन ऑफली कोलिजन थोड़ा ध्यान से समझिए। कब किसी कोलिजन को वन डायमेंशनल और कब किसी कोलिजन को हम लोग टू डायमेंशनल पिक कर पाते हैं उसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सा फिजिक्स का एक स्टेटमेंट। जो बॉडीज आपस में कोलिजन में इन्वॉल्व हो रहा है उनके सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला अगर स्ट्रेट लाइन और उनके वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन अगर कॉइंसाइड करता है मतलब एक ही लाइन पे आता है देन कोलिजन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल जब यू नो पिक्चर। लेकिन कुछ ऐसा अगर हो कि सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन और दोनों बॉडीज के वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉइंसाइड नहीं करे देन अगर वैसे बॉडीज के बीच कोलिजन हो देन कोलिजन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन को सबसे पहले तो आप यहां ऐसे समझे पहले समझे आप वन डायमेंशनल कोलिजन देखो होता ये आप अगर फिगर्स पे ध्यान लगाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि कोई एक बॉडी है उसका सेंटर एक दूसरा बॉडी है उसका सेंटर सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला लाइन और इन बॉडीज का वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन दोनों पर साइड देन कोलिजन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। लेकिन अभी हम लोग इसको पढ़ने नहीं जा रहे इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ठीक है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं बस आपके नॉलेज के लिए था अब हम लोग देखने जा रहे हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशनल कोलिजन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा समझना ध्यान से नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें बहुत डिटेल में जाना लेकिन अभी जो हम लोग के पास समय अवेलेबल है उसमें थोड़ा सा इसको सीख लें। हमारे पास ये एक बॉडी है इसका सेंटर है ये एक दूसरा बॉडी है और इसका सेंटर है दोनों बॉडीज ये बॉडी राइट की तरफ जा रहा है यू वन वेलोसिटी से ये बॉडी राइट की तरफ जा रहा है यू टू वेलोसिटी। अब जरा बात करते हैं स्टेटमेंट पर दोनों कोलिजन वाले इन्वर्ट बॉडीज के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है और उनके वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज नॉट कॉइंसाइड जबकि यहाँ पे सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन दोनों का और कॉइंसाइड है देन कोलिजन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल बट दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। तो ऐसे कोलिजन को हम टू डायमेंशनल या टू डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। जब कभी भी टू डायमेंशनल कोलिजन हो मान लो जैसे इसका मास m1 है इसका मास m2 है दिस इज बिफोर कोलिजन ऐसा ही एक फिगर आपके कोलिजन का भी हमने ड्रॉ कर लिया आपके कोलिजन ये मास इधर निकल गया किसी एक वेलोसिटी से कोई भी डायरेक्शन हो सकता है तो बस एक एक थीटा भी मान लो आप थीटा वन से निकल गया और दूसरा मास टकराने के बाद इस डायरेक्शन में निकल गया बी टू से ऐसा एंगल थीटा टू ये सब
ये मेथड का डाटा पिक करता है कि थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, बी 1 कितना होगा, बी 2 कितना होगा। हम लोग को एक जनरल कांसेप्ट कैसे कोलिजन को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जब इसमें आफ्टर कोलिजन देख रहे हैं तो दोनों बॉडी ऐसे मूव करते हैं। जब कभी भी हमारे पास टू डायमेंशनल कोलिजन का मैटर है, सबसे पहला इक्वेशंस बनाने का सबसे बेसिक टर्म होता है यूज कर रिलेशन ऑफ लीनियर, ठीक है ना। इन टू डिफरेंट डायमेंशंस यूज कर रिलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस, चलो एक्स एक्सिस में लगा, एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एंड फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स शुड बी सेम। इस फिगर के हिसाब से जो फिगर हमारा बना हुआ है उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1, v1 का हमारे पास कंपोनेंट आएगा सही है, v1 का cos थीटा सही है, v2 का भी कंपोनेंट आएगा v2 cos थीटा। तो इस कंपोनेंट में हम लोग लिखेंगे m1 v1 cos थीटा 1 plus m2 v2 cos, दूसरा अलॉन्ग y एक्सिस, चलो y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग y एंड फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग y शुड बी सेम, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस, जीरो। इन दिस सिचुएशन इट इज जीरो, नॉट नेसेसरी कि इट इज ऑलवेज जीरो, जैसा रहेगा वैसा रहेगा, ठीक है। अभी हमारे पास इट इज जीरो बट दिस हैज सम कंपोनेंट v1 sin theta and this is v2 sin theta. Interesting, about interesting. जरा देखो इसका पॉजिटिव मोमेंटम इसके नेगेटिव मोमेंटम से जरूर कैंसिल हो तभी तो इनिशियल के जीरो के बराबर होगा, समझ आ गया। तो हमारे पास है m1 v1 sin theta 1, हम तो प्लस साइन भी देंगे, माइनस आ गया तो समझ जाना कि डायरेक्शन आप पूरी है। ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को यूज करो, जो अनोन आपसे पूछा गया उसको फाइंड आउट, ठीक है। लेकिन कभी कभी अनोन बढ़ा दिया जाता है, इन दो इक्वेशंस से आप दो ही अनोन में फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है दो से ज्यादा अनोन रहे, तो याद रखना वैसे केस में कोलिजन इज सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक, सो अनदर इक्वेशन इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। एक कोलिजन इज
कि आपके पास कोई एग्जांपल है जो मेरे उस पूरे कंडीशन को लगभग सेटिस्फाई करता है? आप जो कैरम बोर्ड भी खेलते हैं उसमें भी आप ध्यान रखते हैं कि लगभग यही कॉन्सेप्ट है टॉप का। अगर हम लोग वहाँ पे एनर्जी लॉस को नेगलेक्ट करते हैं, स्ट्राइकर जब हिट करता है तो साउंड एनर्जी आता है उसको छोड़ देते हैं, तो आपके लिए जो दूसरा जिसको स्ट्राइकर हिट करता है वो ऑलरेडी रेस्ट में रहता है। सही, स्ट्राइकर जब हिट करता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमेशा हमारे उस टारगेट को स्ट्रेट टाइम में हिट करें और वो है आगे पीछे। क्या आपका स्ट्राइकर ऐसे भी हिट करता है, स्ट्राइकर इधर चला गया टारगेट, समझ आ रहा? और उसमें वो टारगेट हमेशा शुरू में कैसा रहता है, रेस्ट में। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस ऐसे ही तुमसे बोलते थे, हमारे पास क्रिकेट खेलने में और बॉल खोलने में क्या, क्रिकेट खेलने में आप मूविंग बॉल को हिट करते हैं और बॉल में आप स्टेशनरी बॉल को हिट करते हैं। दोनों में बैट के जैसा एक इक्विपमेंट है, दोनों में बॉल, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। सिमिलरली मूविंग बॉडीज अगर आपस में टू डायमेंशनल कोलिजन कर रहा है देन बोथ दिस, लेकिन अगर उसमें से पहला बॉडी या कोई भी एक बॉडी रेस्ट में है बिफोर कोलिजन एंड कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक दैट इज अ स्पेशल केस एंड दैट केस इज कॉल्ड वन। ठीक है, इस पे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो हम लोग अगले दिन इसमें डिटेल में जाएंगे। आज के लिए